थे। तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ने के लिए कांग्रेस पर बरसे हैं। अमित शाह ने पूछा, जब समझौता ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हो गए तो असली गुनहगार कौन? ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आया था तो फिर हिंदू टेरर की बात कहां से आई? भगवा आतंक नकली तो कहां गए असली? कांग्रेस के राज में आतंकियों से समझौता हुआ। तीसरे चरण के रण से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला। बंगाल की सरजमी पर गर्जे शाह ने पूछा कि समझौता ब्लास्ट केस में जब असीमानंद बरी हो गए तो असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश किसने की? जो पहले पकड़े गए थे वो 21 को किसने छोड़ा, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था? अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर ए तैयबा का कृत्य है। आज वो लोग कहाँ है, किसने छोड़ दिया उसको? 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। स्वामी असीमानंद, लोकेश, कमल और राजेंद्र के खिलाफ जांच हुई। जनवरी 2014 को असीमानंद समेत चार के खिलाफ आरोप तय। 29 जुलाई 2010 को एनआईए को जांच सौंपी गई। 20 मार्च 2019 पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट का फैसला, समझौता ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत चारों आरोपी बरी कर दिए गए। कांग्रेस ने हमारी आस्था को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए कांग्रेस ने आतंकियों को बचाया और साध्वी प्रज्ञा को फंसा दिया? बाटला हाउस एनकाउंटर के आंसुओं पर कांग्रेस को कल जवाब मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।